मैं जासमाना का फैन हूँ एंड मैं जासमाना के रिलेटेड हेट वाली वीडियो नहीं बनाता, बट कई सारे लोग यही बोलते हैं कि जासमाना का लहंगा सॉन्ग जो है उसमें क्या फेक व्यूज है ऐसा वैसा। तो इसी के बारे में बात करने वाले कि जासमाना का जो लहंगा सॉन्ग है उस पे क्या फेक व्यूज है या फिर ये फॉल्स अभी ट्रू है बात करती थी। उससे पहले फॉलो करी कार्तिक 07X, जासमाना के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें जासमाना के लहंगा सॉन्ग के जो व्यूज है उसको फेक व्यूज बताते हैं, एंड इनफैक्ट मुझे एक कमेंट भी आया था कि जासमाना का जो लहंगा सॉन्ग था उस पे फेक व्यूज लिया गया है, लहंगा सॉन्ग पे 1.5 बिलियन व्यूज है जबकि उसके रील्स देखे जाए तो बहुत कम है, ऐसा वैसा मुझे कमेंट आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्या लहंगा सॉन्ग पे फेक व्यूज लिया गया है, ट्रू और फॉल्स बात करते हैं। 3 पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट, यूके एशिया म्यूजिक चार्ट पे फीचर्ड होना जासमाना का लहंगा सॉन्ग जो है यूके एशिया म्यूजिक पे फीचर्ड हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा अगर इस सॉन्ग पे फेक व्यूज लिया होता तो भाई कहां से ये यूके एशिया म्यूजिक चार्ट पे फीचर करता यार, ना तो ये जो सॉन्ग होता यूट्यूब पर भी ट्रेंड ना करता। अगर इसमें फेक व्यूज खरीदा गया होता तो यूके एशिया म्यूजिक चार्ट पे फीचर काहे करता यार। सेकेंड, लहंगा स्ट्रीम ऑन गाना 100 मिलियन। जासमाना का एंड गाना ऐप वालों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि लहंगा सॉन्ग जो है वो सिर्फ गाना ऐप में ही डलेगा और कहीं पे स्ट्रीम पे नहीं डलेगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एंड मैं आपको बता दूं तो ये जो सॉन्ग था उसने अपने करीबन 10 से 20 डे के अंदर में ही 100 मिलियन से भी ज़्यादा स्ट्रीम्स क्रॉस कर दिया था। तो भाई सॉन्ग पे जब फेक व्यूज लिए गए होते तो लोग इस सॉन्ग को जो है गाना ऐप पे सर्च करके इस गानों को क्यों सुनते यार, ऐसे कैसे मतलब कि बोल सकते हो कि जासमाना का लहंगा सॉन्ग पे फेक व्यूज है। जासमाना के लहंगा सॉन्ग पे 100% ऑर्गेनिक एंड ओरिजिनल व्यूज है। तीसरा रीजन है लहंगा ट्रेंड ऑन टिकटॉक। सो भाई कई सारे लोग मुझे यहाँ बोल रहे थे कि जासमाना के लहंगा सॉन्ग पे इतने ज्यादा व्यूज है जबकि रील्स अगर देखा जाए इंस्टाग्राम रील्स तो उस पे 70K ही रील्स बने हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं तो लहंगा सॉन्ग जो है जब आया था जब टिकटॉक उस टाइम पे चल रहा था ट्रेंडिंग पे, एंड लहंगा सॉन्ग जो है वो टिकटॉक पे भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, एंड बड़े बड़े जो टिकटॉकर हैं उन्होंने लहंगा सॉन्ग पे टिकटॉक वीडियोस बनाई थी। तो कहाँ भाई मतलब कि पहले आया था यार, एंड लहंगा सॉन्ग तो पहले आया था, अभी इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है, पहले तो टिकटॉक ट्रेंड कर रहा था तब जासमाना का लहंगा सॉन्ग आया था, एंड जासमाना का लहंगा सॉन्ग ने भी टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड किया था। सभी को मैं आपको बता दूँ तो ये 3 रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी वजह से जासमाना के लहंगा सॉन्ग पे 1.5 बिलियन व्यूज आए हैं। सो बाकी आपको क्या लगता है, क्या जासमाना के लहंगा सॉन्ग पे फेक व्यूज लिया गया फिर रियलिटी में इसमें ओरिजिनल व्यूज आए हैं? मेरे को तो ओरिजिनल व्यूज लगते हैं जासमाना के लहंगा सॉन्ग में। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करना। बाकी मैंने आपको 3 रीज़न बताया जिसकी वजह से इस सॉन्ग्स में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए थे उस टाइम पे, एंड जासमाना का लहंगा सॉन्ग ने लगभग से पूरे इंडिया में चली थी जैसे कि आपको पता होगा, एंड वेडिंग के दिनों में भी जासमाना का लहंगा सॉन्ग को बहुत सुना जाता है, बहुत ही डांस किया जाता है इनके सॉन्ग पे, इसी वजह से सॉन्ग पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज जाने का रीजन है। सो बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करना। फॉर मोर अपडेट्स चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी जासमाना का लहंगा सॉन्ग में फेक व्यूज नहीं है यार, वो जो भी वीडियो बनते हैं वो सारे फेक वीडियोस हैं, नॉट फेक व्यूज ऑन लहंगा सॉन्ग।